तो दिल्ली में राजपथ पर क्या है प्रदूषण का लेवल, बता रहे हैं न्यूज वन इंडिया संवाददाता आरिज मतलू। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से धुंध स्मॉग छाया हुआ था, लोग परेशान थे, स्कूलों में छुट्टियां हो गई थीं और घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कत होती थी, आंखों में जलन होती थी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली की पहले से हालत बदल चुकी है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हालत और ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब भी हम घर से बाहर निकलते थे आंखों में जलन होती थी, परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी। लोग नहीं चाहते थे कि बेवजह घर से बाहर निकलें या सड़कों पर निकलें, क्योंकि कहा जाता था कि जिस तरीके से धुंध है, स्मॉग है, हवाओं में जहरीली हवाएं चल रही हैं, उससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन दूसरी तरफ ठंड में काफी इजाफा हुआ है। ठंड में इजाफा ये हुआ कि अब सिर्फ आपका शर्ट से सुबह सुबह काम नहीं चलेगा, आपको गर्म कपड़ा पहनना होगा, नहीं तो आपको ठंड लगेगी। आप क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब स्मॉग था, धुंध था, उसमें धुंध तो छाया रहता था लेकिन ठंड बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब ठंड थोड़ी बहुत बढ़ी है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नवंबर का मिड है, आप बीच का महीना ये, आप यहां से अब ठंड शुरू हो जाती है और पूरे जनवरी एंड फरवरी तक ठंड होगी। ये तस्वीर आप देखिए, आप कुछ दिन पहले तक ये बिल्कुल सन्नाटा खामोश सा रहता था वीकडेज में, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, लेकिन अभी सड़कों पर यहां पर लोग आ रहे हैं, लोग घूमने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन की तरफ आ रहे हैं। तो अब दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए एक खुशखबरी जरूर है कि स्मॉग में भारी कमी आई है और ठंड में इजाफा हुआ है। कैमरा पर्सन राजू रंजन के साथ आरिज मतलू, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।